हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। और आप सबके लिए फिर से मैं एक सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ। मेरे साथ सौरभ सिंह है। सौरभ ने रिसेंटली सीएमए क्वालिफाइड किया है, ऑल इंडिया रैंक 18 भी आया है 2022 सिलेबस में। और सौरभ बेसिकली कोलकाता से हैं, ऐसे बाय बर्थ इनकी फैमिली ऐसे बिहार से है, बक्सर से, बट इनकी शुरू से एजुकेशन कोलकाता से ही हुई है। और सौरभ ने सीएमए अपनी सारी जर्नी कंप्लीट कोलकाता से की है, और कैंपस प्लेसमेंट भी हुआ है, कैपचिमिनी में सिलेक्शन हुआ है सौरभ का। सो है सौरभ, कैसे हो आप? हेलो भैया, बहुत बढ़िया भैया। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। एंड हाउ इज योर फीलिंग? आपने जॉब ज्वाइन भी कर लिया, तो कैसा लग रहा है न्यू ऑफिस जाने में? अच्छा लग रहा है भैया। मैंने मेरा यही एम्बिशन था कि क्लियर करने के बाद कैंपस से सिलेक्शन हो, क्योंकि मेरा अटेंड लग चुका था और कैंपस से मुझे जॉब का उतना टेंशन नहीं था कि जॉब कैसे मिलेगा। मैं मुझे था कि अगर कैंपस से मिलेगा तो ऑफ कैंपस है, प्लस बैकेंड बहुत रहेगा, लेकिन मुझे चाहिए था कि मैं कैंपस से जॉब लूँ ताकि लोगों को बोल सकूँ कि मुझे कैंपस से जॉब मिलेगा, ओके तो ओके फीलिंग अच्छा होता है। ओके अच्छा, आपने बात की आपका कैंपस से जॉब आपका था, तो आपने मुझे ज्वाइन किया। सो आपके जो एक्सपेक्टेशन थे मुझे लेके, क्या वो सब कुछ मैं मीटअप कर पाया ड्यूरिंग दिस सेशन? आपको आपको भी मैं करीब जब फाइनल में जब मेरा इंटर क्लियर हुआ था, इंटर क्लियर मेरा 2019 में हुआ था, उसके बाद से जब फाइनल का प्रिपरेशन देखने लगा तो बहुत यूट्यूब में वीडियो देखने लगा, जिससे मैं आपको जानता हूँ और संकेत भैया को जानता हूँ, संकेत पंडित भैया को, मैं दोनों को बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ। आपका वीडियो एक देखा था कि आपने कैसे स्टार्ट किया जर्नी, फिर कैसे कैसे ग्रो किया, सब कुछ देखा था। फिर फाइनल का एग्जाम मैंने 2 बार दिया, नहीं निकला मेरा। फिर जब सोचा था, मैंने पहले से ही सोच के रखा था कि अगर फाइनल क्लियर हुआ तो मैं आपको क्लास लूंगा, तो मैंने पास होने के बाद नहीं सोचा, पहले ही सोच लिया था, दो अटेम्प्ट लगा था उस समय भी सोचा था पास होने के बाद। आपका डीए, आपका अच्छा, आपका जीडी अप्रोच कराते थे, उससे एक बोलने का कॉन्फिडेंस आता था सबके सामने, अकेले में तो बात कर लेते, सामने सामने कर लेते, मोर देन 4-5 पीपल है तो उनके सामने कैसे बोला जाए, वो कॉन्फिडेंस आता था। और जो आपने पीडीएफ में जो नोट्स दिया था, जो बेसिक होता है, आजकल के लोग तो ठीक है सीनियर क्वालिफाइड हो गए तो उनको नॉलेज है जिस पे इन्वेस्ट करना, लेकिन बेसिक वो पढ़े हुए हैं लेकिन माइंड से निकल जाता है। जो बेसिक था बहुत अच्छा था, बहुत वो काम भी आया सब इंटरव्यू। राइट राइट ग्रेट। सो हम स्टार्ट करते हैं आपकी सीएमए जर्नी। अच्छा, आपने सीएमए लाइक कैसे स्टार्ट किया? आपको कैसे पता चला कोर्स के बारे में, और आप कंपनी ने कैसे स्टार्ट किया? या जब मैंने 10 पास किया था तो मेरे 10 में 79% मार्क्स साइंस ग्रुप में थे, ओके 89%, और उस समय कट ऑफ था 75%। मेरे स्कूल में कट ऑफ था सीजन विद्यालय कोलकाता, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन नॉर्थ कोलकाता, तो मेरे को छोड़ के मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड भी सब बोल रहे थे कि साइंस लें, सारे के सारे साइंस लें। मेरे बहुत सारे फ्रेंड के साइंस में नंबर नहीं थे लेकिन लोग चाह रहे थे कि साइंस ले, लेकिन कट ऑफ 75% था, मेरा 89% आ चुका था, फिर मैंने नहीं लिया। मैंने कॉमर्स लिया, कॉमर्स में लेने बाद 11-12 कॉमर्स में पढ़ाई किया, मेरे 92% आए थे 12 में। फिर मैं गोयनका कॉलेज में एडमिशन लिया, गोयनका कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मेरा ड्रीम था यूपीएससी का एग्जाम देना और आईएएस आईपीएस बनने का। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड है और चंदन नाम है उसका, हम दोनों ने पूरे कोलकाता में घूमकर देखा कि अच्छा इसका प्रिपरेशन कहाँ पढ़ाया जाता है, क्या होता है। करीब 1 मंथ हम लोगों ने पूरा अच्छा से संबंध किया, तो लास्ट में बहुत जन बोला कि आपको पटना जाना पड़ेगा या दिल्ली जाना पड़ेगा इसके पढ़ाई के लिए। तो उस समय सोचा कि पटना दिल्ली चल जाएंगे तो बीकॉम का पढ़ाई से नहीं हो पाएगा हम लोग, तो फिर मैंने सोचा कि एमबीए कर लेता हूँ। तो एमबीए, जैसे ही एमबीए करने के इनरोलमेंट में, जैसे टाइट का एग्जाम के लिए इनरोलमेंट कराने जा रहा था, तो मेरे पापा ने कहा कि सीएमए करना। सीएमए जो मैंने किया है वो मैंने खुद से नहीं किया, मेरे पापा के बोलने से किया, ना मैंने सोचा है ना किया, तो पापा को मतलब पहले से पापा को पता आइडिया। था? हाँ, पापा को आइडिया था, उन्होंने आपको सजेस्ट किया उस टाइम में, और आपने एडमिशन ले लिया। अच्छा, फिर जब आप सीएमए में आए, उन्होंने नहीं तो बोला, हाँ सीएमए में जब आप आए तो एक प्रोफेशनल कोर्स था, आपको ज्यादा आइडिया भी नहीं था कोर्स के बारे में, तो फिर आपका फाउंडेशन किस तरीके से आपने क्लियर किया? मैंने भी जब सीएमए में एडमिशन लिया फाउंडेशन, तो मैंने वो बेसिक लेवल का था फाउंडेशन, थोड़ा इकोनॉमिक्स, बिजनेस, मैथमेटिक्स, अकाउंट्स, लॉ, लॉ नया सब्जेक्ट था उस समय, तो लॉ मैंने पढ़ा, तो मैंने एग्जाम दिया तो निकल गया। मुझे लगा कि ये सीएमए बहुत आसान है,
तो मतलब फाउंडेशन का मैंने पढ़ाई मोस्टली समझ लीजिए लिटरली एग्जाम के जस्ट 1-2 महीना पहले ही मैंने पढ़ाई किया था और मैंने पास भी हो गया था। मैं तो ओके लगा कि आसान है, लेकिन जब इंटर देने लगा, इंटर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट इंटर दिया था, पहले ही ग्रुप दिया था, तो मेरे 192 मार्क्स आए थे, बस 2 मार्क्स के लिए रह गया था। उस समय मुझे लगा कि नहीं इसमें कुछ है। उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम मैं 10th में भी मोर देन एवरेज स्टूडेंट था, 11th 12th मोर देन एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि मैं फेल हो गया। मेरा बार ऐसा हुआ एहसास हुआ, मेरे मेरे फ्रेंड ने कहा, जब 192 मार्क्स आए तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि पहला बार जिंदगी में फेल हुआ, आप कैसा लग रहा है। तो फिर सही क्या रियलाइज हुआ कि इस कोर्स में कुछ तो है। तो फिर उस समय से सीरियस पढ़ाई करना स्टार्ट किया, ओके तो मेरा इंटर्न ग्रुप में इंटर निकला। ओके ओके सिंगल सिंगल ग्रुप आपने इंटर दिया। अच्छा देन फिर आपकी इंटर्नशिप की बात थी, तो आपने इंटर्नशिप कहाँ से किया था? इंटर्नशिप मैंने एचपीएल हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड से किया था, मैन्युफैक्चरिंग ओके कंपनी केमिकल्स पॉलीमर। ओके ग्रेट। अच्छा फिर आप जब आप फाइनल में आप थे, तो आपने जैसे मुझे बताया कि आपने सिलेबस कन्वर्जन भी करवाया, तो आखिर उसके पीछे का क्या रीजन था कि आपने सिलेबस कन्वर्जन करवाया? पहला पहला अटेम्प्ट दिया था, तो मेरा स्टडी उतना अच्छा था नहीं, लेकिन मैंने एग्जाम दे दिया था, तो मैं क्लियर नहीं हुआ था। मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया था, सिर्फ ग्रुप 3 ही दिया था, वो ऑनलाइन एग्जाम, और मेरा एग्जाम इतना अच्छा गया था, लिटरली स्पीकिंग इतना अच्छा गया था एग्जाम मेरा, क्योंकि तो मैंने दोनों ग्रुप के लिए अपियर किया था, लेकिन मैंने दिया सिर्फ ग्रुप 3, ग्रुप 4 मैंने एबसेंट कर दिया। मैंने सोचा कि ग्रुप 3 देके क्लियर कर लेता हूँ। मेरा लॉ का एग्जाम अच्छा गया, एसएसएम का एग्जाम अच्छा गया, डायरेक्ट टैक्सेशन का एग्जाम अच्छा गया, और एचसीएम का एग्जाम अच्छा गया। सिर्फ 250 भी पासिंग मार्क रहता पास हो जाते, 200 नहीं 250 भी रहता, लेकिन मेरा मार्क्स आया था 137। मेरा हिम्मत एकदम टूट गया था, क्या हो गया, मतलब हम ग्रुप 4 का पढ़ाई फिर से दोबारा स्टार्ट कर दिए थे कि अब ग्रुप 3 मेरा 100% किया, 100% किया, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, 250 पासिंग मार्क होगा फिर भी पास हो जाएगा। 137 आया तो बहुत रो रहा था मैं, दोस्त के साथ बातचीत करते हैं, तो मेरा दोस्त बोल रहा था कि सबसे पहले तू एक काम कर, अपना सिलेबस चेंज कर। मेरा सिर्फ अच्छा दोस्त ही बोला सिलेबस चेंज करने, बाकी सब बोल रहा था कि लास्ट अटेम्प्ट है 2016 में, दे दो पास हो जाएगा। तो बस ऐसे ही रैंडमली हम क्या किए, जाके उसके बाद मान के सिलेबस चेंज कर दिया। सिलेबस चेंज करने के बाद वो मोर देन 80% सब सेम था, थोड़ा पढ़ना पड़ा, तो नया बुक से मेरे अंदर वो फीलिंग आई, नया बुक से और थोड़ा पढ़ने का इंटरेस्ट बढ़ गया था, पुराना बुक से नया बुक से पढ़ने का इंटरेस्ट बढ़ा, और पढ़ाई किया दोनों अच्छे से, और फिर एग्जाम दिया। और हाँ, सीएफआर का पेपर मेरा अच्छा नहीं गया, सीएफआर का पेपर मेरा अच्छा नहीं गया, एग्जाम भी क्या था, यही सोच रहा था 2 महीने कि सीएफआर में बस पास हो जाए, सीएफआर में पास हो जाए तो बन जाएंगे सीएम। सीएफआर में मेरा 46 आया इस बार, मतलब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं पेपर ले रहा था, मैंने सीएफआर का पेपर 10 से 12 टाइम्स लिया, मैंने खुद अपने आप को मार्क्स दिया, मेरा 36 से 38 आ रहा, राइट। लेकिन एग्जाम में 46 आ गया। पता है अच्छी चीजें हो जाती है काफी काफी। तो अच्छा ये सोचा लेकिन एक था। हफ्ता दो हाँ में क्वेश्चन आया था गलत था, तो अच्छा उसने फुल मार्क्स 10 आउट ऑफ 10 मिला हो। मे बी कुछ कह नहीं सकते। अच्छा ये आपने सोचा था कि लाइक ऑल इंडिया रैंक 18 आपका आएगा, ये आपने सोचा था पेपर देने से पहले? जब नहीं इंटर मेरा क्लियर हुआ था, तो मैं सोचा था कि फाइनल में रैंक लेके आऊंगा, क्योंकि इंटर में क्या हुआ था, इंटर में भी मेरा रैंक आ सकता था, इंटर में मैंने दोनों ग्रुप एप्लीकेशन किया था, पर मैंने जो ट्रेनिंग होता है वो ट्रेनिंग मैंने नहीं किया, तो मेरा एडमिट कार्ड सिर्फ एक ग्रुप के लिए ही इश्यू हुआ था, दूसरे ग्रुप के लिए इश्यू नहीं हुआ था। अच्छा तो मैंने वो ग्रुप 1 निकाल लिया था, ग्रुप 2 में मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आया था, ग्रुप 2 में टोटल 270 मार्क्स आए थे, जिसमें OMSM के टेबल में 92 मार्क्स आए। ग्रेट तो जब ग्रुप 2 का एग्जाम दिया था, तो मैंने पूरा पढ़ाई नहीं किया था, मतलब मीडियम लेवल पे पढ़ाई किया था, मैं ग्रुप 3 निकल गया। तो फिर मैंने सर है त्रिलोचन घोष सर है, उनको जाके मैंने बोला था कि सर मैंने दोनों ग्रुप के लिए अपियर किया था और 460 470 के ऊपर रैंक आ जाते, मेरा 460 टोटल हो रहा है, तो मैं रैंक मेरा आ सकता था, लेकिन मैंने ट्रेनिंग नहीं किया था तो एडमिट कार्ड इशू नहीं हुआ। फिर जब पास किए तो फाइनल में सोचा था कि रैंक आ जाए, तो नहीं आया, लेकिन कम से कम 50 के अंदर आ जाए,
सबसे भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है रैंक टू बाद में आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों ग्रुप के एग्जाम देने। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जब दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट दोनों ग्रुप दिया था, मुझे 4 से 5 बार वॉमिटिंग हुआ था एग्जाम के लिए, 4 से 5 बार। रोज रोज एग्जाम देना, सेंटर से आना, सेंटर पे जाना, प्लस रिविजन करना पॉसिबल नहीं होता। एक दिन भी अगर छुट्टी रहता है जैसे CMA दिया जाता है, बहुत टफ है भैया 8-8 दिन एग्जाम देना, प्लस देखो पास होना उससे ज्यादा टफ। ये क्वेश्चन जो है ना तुम्हारा एक गैप के लिए मैंने पूछा था लाइक, तो लोगों का कहना है हमने तो दो दो पेपर एक दिन दिए हैं तो अब क्या बोला जाए इसमें रिवीजन का मेरा टाइम मिलना चाहिए। हमें तो एक ही पेपर देना है तो कुछ मिला नहीं। अब लोगों ने मैंने भी फर्स्ट लोगों अटेम्प्ट में दो बोथ ग्रुप दिया था, बट हाँ बहुत फील होता है। अब पहले 4 दिन तो कैसे भी निकल जाते हैं, फिर अगले 4 दिन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी पर इस बार मैंने सोचा था कि जो भी हो लूंगा। चलो अच्छा है, फाइनली जब रिजल्ट आया वो कॉन्ग्रेचुलेशन आया। अच्छा रिजल्ट मॉर्निंग में आया था तो कैसा फीलिंग था, मॉर्निंग का रिजल्ट कैसे पता चला? रिजल्ट रिजल्ट पहले आने वाले था, नहीं आया। नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या हुआ, मैं सोया हुआ था, मुझे बहुत मिस कॉल मेरे मोबाइल में आया था, 27-28 मिस कॉल आ चुका था, और सुबह का 9 बज रहा था और हम सोए हुए थे। अचानक से व्हाट्सएप कॉल आया मेरे फ्रेंड का, जो डायरेक्ट कॉल मैं नहीं उठा रहा था। मैं क्यों फोन कर रहा है, क्योंकि हमेशा रिजल्ट शाम को आता है, इतना मॉर्निंग में नहीं आता है। और रिजल्ट आ चुका था सर, रिजल्ट का एग्जैक्ट टाइमिंग था 4:00 समथिंग, क्योंकि एक मेरा फ्रेंड जो हमेशा उठ जाता है, आरजे प्रिय सिंह है ना जी, अपने ग्रुप में, हाँ, 4 बजे, वो 4 बजे उठ जाता है, वो उसने अपना रिजल्ट 4:30 बजे देखा मॉर्निंग में, अच्छा तो वो बोला कि 4 बजे करीब में आया। तो मैं सोया हुआ था, 9 बजे रात का, तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि रिजल्ट देखा, बोले रिजल्ट आ गया। फिर अचानक मैंने मम्मी को बोला कि पापा को फोन करे, पापा रिजल्ट देखेंगे। मैं रिजल्ट अच्छा नहीं देखूंगा। तो मम्मी ने पापा को फोन किया, पापा अपने ऑफिस में रिजल्ट देखे, फिर पापा मुझे व्हाट्सएप में भेजे कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन भेजे तो समझ गए कि कुछ तो हुआ, ग्रुप थ्री निकला सर, ग्रुप अच्छा 4 निकला सर। ये नहीं पता था, ये नहीं पता था दोनों निकला। जब मैंने खुद रिजल्ट देखा तब देखा दोनों निकला। फिर उसके बाद पता चला कि रैंक भी आया, तो फिर कैसा फील था? रैंक लिस्ट में रैंक, टीचर का नहीं नाम? नहीं रैंक मुझे नहीं पता चला था, अच्छा रैंक मुझे पता ही नहीं चला था। मैं पास हुआ मतलब सब हो गया, पास हो गया। मुझे 3 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद मुझे मेरे फ्रेंड ने, वो CA है, उस फ्रेंड ने फोन करके वो कहा कि तेरा रैंक आ रहा है। फिर हम चेक किए तो बहुत ज्यादा खुश हो गए। तो फिर मिठाई उठाई पूरा बटा मोहल्ले में कि नहीं? मोहल्ले में भी बटा, बिल्डिंग में भी बटा, दोस्तों में भी बटा। चलो अच्छी बात है। अच्छा आपने जैसे आपके अटेम्प्ट्स भी लगे, आपने रैंक भी लेके आया, तो स्टूडेंट को आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, स्टडी किस तरीके से उनको प्लान करना चाहिए कि वो वन शॉट में या फिर आप वो रैंक के लिए जा सकते हैं? वन शॉट में भैया, पहले अगर दोनों ग्रुप के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एग्जाम से एटलीस्ट 2 मंथ्स पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। तो लास्ट 2 मंथ्स सिर्फ रिविजन करना है, आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। एग्जाम के अगर पीछे 2 मंथ्स आप कुछ नया पढ़ रहे तो फिर आप उतना 100% क्लियर नहीं होंगे, क्या पास हो। तो 2 मंथ्स ये पूरा रिविजन चाहिए, और रिविजन एटलीस्ट 6 to 7 टाइम्स रिविजन। मैंने SSM का, SSM की स्कड्यूल मटेरियल का सारा सम्स रिटन प्रैक्टिस किया था, SCM के सारे सम्स रिटन प्रैक्टिस किए थे, सारे के सारे सम्स। मैंने लिखा था कि किस चैप्टर में कितना सम्स है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में 42 सम्स, सिक्योरिटी मैनेजमेंट में 37 सम्स, पूरा लिख लिख के मैंने प्रैक्टिस किया था। मैंने बहुत कॉपी भरा, बहुत मैंने मतलब रिटन प्रैक्टिस किया था, लॉ का नोट्स बनाया था। अब यही सजेस्ट करेंगे भैया कि पूरा फोकस करें पढ़ाई पे, प्लान करिए, तभी पॉसिबल है। राइट बहुत राइट टफ है आज की डेट पे, तो CMA का रिजल्ट बहुत कम हो गया। CA का रिजल्ट अच्छा हो रहा है, CS का अच्छा हो रहा है, CMA का रिजल्ट नहीं हो रहा है। राइट। अच्छा एक चीज और, एग्जाम में वो 3 घंटे का जो प्रेशर होता है वो कैसे हैंडल किया आपने, लाइक किस तरीके से आपकी प्लानिंग थी उस 3 आवर्स के लिए? प्रेशर तो ऐसा कुछ नहीं था भैया, जैसे जैसे सम्स आ रहे थे, क्वेश्चन के आंसर आ रहे थे, बनाती जा रहा था। मुझे तो 3 आवर्स कम लग रहे थे, 3.5 आवर्स तो ज्यादा ठीक रहता है। जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे बनाते जाते, जो नहीं आ रहा था बस उसमें चेंज कर लो। लेकिन पहला पहला घंटा कैसे चल रहा था पता नहीं चलता। पेपर पढ़ रहे हैं, पेपर का 2-3 आंसर दिए हैं, 1 घंटा निकल गया। और यही फोकस रहता था
हर एग्जाम से पहले यही फोकस आता था कि आप अगर 100% नहीं कर पा रहे, आप 80% या 70% एकदम सही थी, अगर आप 70 मार्क्स का एकदम राइट करते हैं तो एटलीस्ट आपको 50 मार्क्स आना चाहिए, 50-55 आना चाहिए, अगर आप 100 नहीं कर पा रहे। मेरा यही टारगेट रहता था कि मुझे अगर मैं 80 का करूंगा तो 80 में से 70-100% राइट होना चाहिए, तब जाके अगर मेरे हिसाब से 70% हो तो एग्जामिन के हिसाब से कम 25% मार्क्स आ गए। राइट, थैंक्स आपके सजेशंस के लिए। अच्छा, फिर आपके कैंपस की जर्नी जो आपने मेरे साथ दिया 1-2 महीने, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा भैया, बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत लोगों से फ्रेंडशिप भी हो गया। अच्छा भैया, रोज आप जो दीदी का सेशन रखते थे, दीदी बहुत अच्छा लगा मुझे, जो टॉपिक आता था मोस्ट इम्पोर्टेंटली, मैं जीडी तो रोज ज्वाइन नहीं कर पाता था, लेकिन जो टॉपिक रहता था वो टॉपिक को गो थ्रू अच्छे से करता था, मुझे टॉपिक को मिल गया। लेकिन मैंने जीडी दिया था, आईटीसी का जीडी दिया था, उसमें भी केस स्टडी क्वेश्चन था, और जेएमएस का दिया था, उसमें भी कास्ट रिजर्वेशन सिस्टम का वो जीडी था। मैंने आईटीसी का भी जीडी क्लियर किया था और जेएमएस का भी जीडी क्लियर किया। मुझे जीडी आप कराते थे वो मतलब बेस्ट ऑफ, बहुत अच्छा था वो टॉपिक आप देते थे, वो टॉपिक के बारे में नॉलेज रखना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप जीडी में पार्टिसिपेट करना नहीं। बहुत सारा ऐसा था जो मुझे खुद नहीं पता था, तो उसके लिए मैंने खुद उसको गो थ्रू किया, उसका नॉलेज लिया। तो देन आप कुछ आईटीसी के बारे में बता रहे थे। हाँ, आईटीसी का इंटरव्यू हुआ था भैया, उसमें मैंने ऑनलाइन टेस्ट भी निकाल लिया था, जीडी भी निकाल लिया था, बस फर्स्ट राउंड ही निकालना था, फर्स्ट राउंड मेरे अंदर ही कमी था, वो मैंने रिविजन नहीं किया था बस, और कुछ नहीं। तो 2 महीने का जो गैप था रिजल्ट निकालने से और कैंपस इंटरव्यू के दौरान, जब छुट्टियों की खत्म हुआ मैं घूमने चला गया, वही मैंने सिर्फ जीएसटी रिविजन करना था। आपने कहा था कि सिर्फ 2 घंटा रिविजन करना जाना, आपने कहा था, राइट वही मैं 2 घंटा अगर रिविजन करता तो आराम से आईटीसी का हो जाता है। यार, हाँ डेफिनेटली। चलो कुछ नहीं, लाइक लाइफ में हर चीजें हर वक्त नहीं मिलता, बट जो मिला है वो भी अच्छा है। बस और फोकस करो अपने आप को और अपग्रेड करो कि अगले 2-3 साल में कुछ और बेटर हो आपके लाइफ में। एंड फर्दर अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ जिंदगी बाकी है। लाइफ की जर्नी छोटी नहीं होती, लंबी होती है। बस सब्जेक्ट टू आप फोकस करते रहो, जिंदगी आपको दोबारा मौका फिर से देगी उसको अचीव करने। हमेशा आप गाइड करते रहिए भैया हमेशा। या डेफिनेटली मैं गाइड करते रहूंगा एंड होप सो कि हाँ, जब भी तुम्हें लगे तुम मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ डेफिनेटली। सो कोई लास्ट सजेशन फॉर अपकमिंग सीएमएस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए? अपकमिंग सीएमएस के लिए तो मैं सबसे पहले ये बोलता हूँ कि आप थोड़ा टाइम ले लीजिए, अटेम्प्ट वेस्ट मत कीजिए। सबसे पहला मुझे आइडिया नहीं था भैया, मेरा एक फ्रेंड है 2019 में उसने इंटर क्लियर किया, मैंने भी 2019 में इंटर क्लियर किया, 2023 में मैंने फाइनल क्लियर किया, उसने भी 2023 में फाइनल क्लियर किया, बट उसका पहला अटेम्प्ट था, मेरा थर्ड अटेम्प्ट। तो वो जो प्लानिंग किया अपना, वो प्लानिंग करता या नहीं करता मुझे बताने वाला भी कोई नहीं था सराउंडिंग, मेरे सराउंडिंग से में पूछ बता पाए कि लेते अटेम्प्ट ऑफ इंटरव्यू में यही बोल दूंगा। हैं। इंटर से पहले मैं किसी को नहीं जानता था, संकेत भैया को हल्का हम जानते थे, वो संकेत भैया अभी अब दिखाई नहीं देते कोई। कोई बात नहीं, तो कोई नहीं, लाइफ में कुछ चीजें होती हैं जो हो जाती है, मिस्टेक्स। काश मेरे साथ भी कोई मेंटर होता तो शायद मैं आज कहीं और होता। तो ये सारी चीजें होती है डेफिनेटली, बट हाँ अभी तो मैं हूँ। कभी भी ऐसा लगे यू कैन मैसेज मी। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर थैंक जर्नी। यू, थैंक यू।